राहुल गांधी की सदस्यता क्या गई, पूरी की पूरी कांग्रेस पूरे देश में सड़कों में उतर आई। तरीका वही गांधीवादी है, सत्याग्रह का, जिसके चलते पूरे देश के साथ आज रीवा के विवेकानंद पार्क में तमाम कांग्रेसी इकट्ठा हुए, धरना दिया, सत्याग्रह किया। हमारी टीम ने विवेकानंद पार्क का दौरा किया, हमने राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा से तमाम बातों पर बातचीत की। देखिए हमारी टीम। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने में, वजह क्या है? वजह तो जब जाहिर है कि आज जिस लोकतंत्र के लिए, जिस व्यवस्था के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और इसीलिए लड़ी गई थी कि इंसान के जीवन में रोटी से भी बड़ा मूल्य होता है स्वाभिमान और सम्मान का। तो जिस स्वाभिमान और सम्मान के लिए गांधी ने और गांधी के साथ लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, आज के समय में मोदी जी इतने बड़े तानाशाह हो गए कि उसको मिटाने में लगे हुए हैं कि प्रजातंत्र कैसे खत्म हो, लोकतंत्र कैसे खत्म हो। तो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, और इसी वजह से बिना संवैधानिक व्यवस्था से, बिना कानूनी वजह से सरकार के दबाव में आकर के इस तरह का फैसला लिया कि 2 साल के लिए राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त किया। उसका कारण केवल यही था, कोई अपराध नहीं था, कोई गुनाह नहीं था, केवल यही था कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, मोदी जी बौखला गए कि अब ये वो नौजवान जिसको हम कुछ मानते ही नहीं थे, जिसको हम पप्पू कहते थे और कुछ कहते थे, आज ये चुनौती बनकर के सामने आ रहा है। और उन्होंने अपनी उसको स्वीकार कर दिया, देश में यात्रा करके साबित कर दिया कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाला यही मसीहा है, और यही जो है रक्षा कर सकता है, यही तानाशाही से लड़ सकता है, यही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है। तो मोदी को लगा कि अब हमारा विकल्प हो रहा है तो कैसे खत्म किया जाए, तो तानाशाही तरीके से उनकी सदस्यता समाप्त की गई, उसी के खिलाफ ये धरना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए कुर्बानी दिया था, बलिदान दिया था, आज वही दूसरा राहुल गांधी है जो गांधी के रूप में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा, बलिदान कर रहा। आज उसके साथ पूरे देश की जनता है। आप सदस्यता रद्द करा सकते हो, खड़ेपूर्वक और कोई याचना दे सकते हो, लेकिन लोकतंत्र में, लोगों के हृदय में, दिलों में जो जगह है उसको आप कहीं नहीं मिटा सकते। और मोदी के एक और बात कहना चाहते हैं कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जो है कहीं ना कहीं हिसाब होता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जेपीसी की मांग हम कर रहे थे अडानी के संबंध में, हम कहते मोदी जी अगर इंसानियत है, इंसानियत का तकाजा है, तो आप एक जेपीसी की कमेटी बैठा दीजिए और केवल ये जांच कर ले कि इस देश के नेताओं ने, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, किन किन ने कब कब क्या बयान दिया है सदन के अंदर, क्या बयान दिया है आम सभाओं में, और सबके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वही मोदी आज राष्ट्रीयता की बात करते हैं, जिस मोदी ने चाइना में दूसरे देश में जाकर कहा था कि दुर्भाग्य है कि हमारा जन्म हिंदुस्तान की धरती पे हुआ है, इससे बड़ा इस देश का अपमान क्या हो सकता है, वो अपमान नहीं है। और राहुल गांधी जो सच की बात करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है, वो माने देशद्रोही है, इसी के खिलाफ ये धरना है। और निश्चित रूप से जब तक माने मोदी नहीं हटेगा, तब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा, तब तक कार्यक्रम संघर्ष जारी है। आज ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार देशव्यापी कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, ये एक धरना है। जैसा कि सब सर्वविदित है, हमारे नेता, देश के लोकतंत्र के सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता आनन फानन में लोकसभा से समाप्त की गई, और सदस्यता समाप्त करने के लिए जो सहारा लिया गया वो एक कोर्ट के ऑर्डर का है, और वो कोर्ट के ऑर्डर में साथ साथ ये भी लिखा है कि 30 दिन तक सारी कार्यवाही स्थगित रहेगी, इसके बावजूद किया गया। अगर हम इसके पीछे जाएं तो ये बात स्पष्ट है कि राहुल जी ने जो देश के नफरत के वातावरण को समाप्त करने के लिए, भाईचारे के लिए, संविधान की रक्षा के लिए जो भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें करोड़ों देशवासियों ने उनको
सहयोग दिया उससे सरकार विचलित हो गई थी। इसके बाद जब राहुल जी लोकसभा में पहुंचे तो उन्होंने एक प्रश्न रखा कि वो केवल एक प्रश्न का उत्तर चाहते थे कि अडानी की शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए है शेल कंपनियों में लगा है वो किसका है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई अपमानजनक बात नहीं की थी, उन्होंने भारतीय जनता देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई निंदनीय बात नहीं की थी, उन्होंने तो सिर्फ पूछा जो कि एक सांसद का अधिकार है लोकसभा में पूछना कि अडानी की शेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए लगा है वो किसका लगा हुआ है। और ये सवाल इतना विचलित कर गया सरकार को कि सरकार ने आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द की। ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र के लिए एक पीड़ादायक क्षण। और आज हम बापू के साथ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि बापू ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की, इनके नेतृत्व में अटल हमारे पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और यहाँ तक कि जो हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह ने जो कुर्बानी दी, वो कुर्बानी के बाद ये देश स्वतंत्र हुआ और एक लोकतंत्र की स्थापना हुई। और आज उस लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, एक सारी संवैधानिक संस्थाएं हिंदुस्तान की जो है वो पंगु बना दी गई। ऐसी स्थिति में राहुल जी ने कहा कि मुझे सदस्यता से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को आप सांसद 20 वर्ष के लिए मत बनाइए, मुझे चिंता नहीं है, पर मैं ये प्रश्न कि देश के देशवासियों का ये 20,000 अडानी घोटाला हुआ जिसमें देशवासियों का पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया LIC के माध्यम से कितने पैसे का नुकसान हुआ, उस अडानी ग्रुप के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए जो लगा है वो किसका है, ये एक प्रश्न है और वो इस प्रश्न को लेकर जनता के बीच में जाएंगे।